माननीय सदस्यगण, इस बिल पर एक घंटे की बहस होनी है, इसके बाद धन्यवाद सभापति महोदय, इसलिए अपने समय मुझे संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 पर बोलने कि मेरे पार्टी बीजेडी की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसीलिए मैं आप इसी बिल के आधार पर बोलने के मौका दिया, इसीलिए आपका आधार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय जनजाति और कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा किया गया इस विधेयक का मैं स्वागत करती हूँ। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से झारखंड के पुराने एवं तामुड़िया समुदाय को पुनर् आदिवासी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव दिया गया है। महोदय, मेरा राज्य के मयूरभंज जिले में इस पुरान तामुड़िया जाति के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। इस जाति के जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में 1978 को तत्कालीन ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिए थे, जो आज भी लंबित है। महोदय, एक तथ्य के अनुसार मयूरभंज गड़जात का राज्य परिवार द्वारा 1931 में किया गया जनगणना के समय इस पुरान और तामुड़िया जाति को जनजाति के सूची में रखा गया था, लेकिन जब मयूरभंज ओडिशा राज्य में शामिल हुआ तब इस जनजाति को जनजाति सूची से हटा दिया गया था। अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अनुरोध करती हूँ, ओडिशा के पुरान और तामुड़िया जाति को जनजाति सूची में पुनर् शामिल किया जाए। इस संबंध में महोदय, ओडिशा के झारखंड पश्चिम बंगाल में काफ़ी संख्या रहने वाले कुर्मी और कुर्मी महंत समुदाय द्वारा दशक से जनजाति का दर्जा की मांग कर रहे हैं। कुर्मी लोगों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मैं स्वयं कुर्मी जाति का हूँ। मुझे दुख है कि इस संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 बिल में कुर्मी जाति का जिक्र तक नहीं किया है। ओडिशा के मयूरभंज जिला समेत अन्य 8 जिला में 30 लाख से ज़्यादा कुर्मी महंत लोग स्थायी हिसाब से रहते हैं। ओडिशा के समेत झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाए तो कुर्मी समुदाय लोग संख्या करोड़ से भी ज़्यादा है। इसी सर्वे की हिसाब से तत्कालीन दिनांक 3 मई 1913 को तत्कालीन सरकार की गेजेट नोटिफिकेशन संख्या 550 के अनुसार 13 अनुसूचित जनजाति के सूची में कुर्मी जनजाति होने का उल्लेख है। फिर 1931 की तत्कालीन सरकार ने भी 13 अनुसूचित जनजाति इस कुर्मी जनजाति का भी उल्लेख है, परंतु सितंबर 1950 को अनुसूचित जनजाति की सूची दोबारा तैयार किया गया है, तो बिना नोटिफिकेशन के। धन्यवाद, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। धन्यवाद ममता जी, बात क्या है? माननीय वी लिंगैया यादव, माननीय बी लिंगैया यादव नॉट प्रेजेंट।